अश्लील ज़्यादा बजते हैं और कहीं ना कहीं हमारे साफ़ सुथरा गाना बहुत कम बजते हैं, दबाया जाता है हमारे गाने को। तो हम बोलते हैं कि नहीं, अपना भाषा का भी गाना कहीं ना कहीं आप बजाइए और अपने भाषा को प्रमोट कीजिए। क्या कि दूसरे के भाषा को आप कब तक प्रमोट कीजिएगा, और कहीं भी आप जाइएगा तो दूसरे के भाषा से आप नहीं जाने जाइएगा, कहीं ना कहीं अपने भाषा से जाने जाइए। धरती जवानों का देश और बेचते बेचते बालू उड़ा दिए केस, फिर भी कस्टमर बोलता है जब तू बलुए नहीं लाता है फ्रेश। अरे भैया बलुआ तो हम लाइए देते फ्रेश, लेकिन कहाँ के हमको लेबरे नहीं मिलता है बेस, हमारे सेल्फ हो गए रेसा। हमारे कहाँ गए जो चुनाव के टाइम में मुर्गा दारू बियर बांट रहे थे और घर घर 500 का नोट दे रहे थे, ये तिरंगा उनको देना चाहिए था हर घर में जाके। वो नेता से मेरी अपील है कि सर अभी भी आप सुधर जाइए, वरना 5 साल के बाद आपका मौका फिर आएगा। जोहार, मैं जबाज, आप देख रहे हैं newsKhazana.com। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो एक सुदूरवर्ती इलाके हजारीबाग के एक छोटे से गांव गोरिया कर्मा के धोबिया टाण में रहते हैं। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, इनका गाना और कॉमेडी वीडियो मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं। आज हम पहुंचे हैं उन्हीं शख्स के पास जो हमारे बगल में खड़े हैं, दिलीप वर्मा जी, जो पहचान हुआ है एक खोरठा कॉमेडी से। इन्होंने शुरुआत किया था जब ये ट्रैक्टर और पॉपलेन ऑपरेटर से शुरुआत की थी, और अब ये एक क्रिएटर के तौर पर लोग इनको जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है दिलीप वर्मा जी। दिलीप वर्मा जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। जितने भी हमारे द न्यूज़ खजाना चैनल को देखने वाले हैं, सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज जो भी हैं आप सबों का आशीर्वाद है। बिल्कुल। तो दिलीप वर्मा जी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका जो एक बहुत ही पॉपुलर कॉमेडी वीडियो था, उनसे शुरुआत करें इस इंटरव्यू का। तो दिलीप वर्मा जी, आप वो जो कॉमेडी सुनाए थे ट्रैक्टर वाला, वो एक बार ज़रूर हमारे दर्शकों को भी सुना दें। अच्छा अच्छा, हाँ, जिससे हम वायरल हुए थे वो ट्रैक्टर वाला वीडियो था जी। कि वीरों की धरती जवानों का देश और बेचते बेचते बालू उड़ा दिए केस, फिर भी कस्टमर बोलता है जब तू बलुए नहीं लाता है फ्रेश। अरे भैया बलुआ तो हम लाइए देते फ्रेश, लेकिन कहाँ के हमको लेबरे नहीं मिलता है बेस, हमारे सेल्फ हो गए रेस। इतने में तो कस्टमर ने हमको रोका, बोला वो दे दिया तू हमको धोखा, बालू गिराएगा गंदा तो बंद हो जाएगा तेरा धंधा, बलुआ तो हम तुम्ही से लेंगे लेकिन ये गाड़ी का पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा चाचा जितना मर्जी है ना डांटिए, लेकिन ये गाड़ी का ना एक रुपया नहीं काटिए। आपसे पहले ही बात हुआ था फ़ोन पर, मेरा गाड़ी है टोटल लोन पर, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो गाड़ी का किस्ती कहाँ से भरेंगे, चलाने का कट जाता है 340 के तक बैठता गाड़ी का मालिक के। कस्टमर ने बोला ठीक है, मैंने तेरे बात को माना, लेकिन अगली बार बढ़िया से बढ़िया बालू लेके आना। मैंने आपके लिए, मैंने कहा आपके लिए लेबर से लड़ जाऊँगा, माँ कसम कल बढ़िया से बढ़िया बालू लेके आऊँगा। कस्टमर ने बोला अरे है तो तू ड्राइवर पर शायर जैसा दिखता है। मैंने कहा शायर जैसा दिखता है तभी तो उसका बालू हजारीबाग में इतना ज़्यादा बिकता है। कस्टमर ने बोला तू इससे बहस करके हो गई मुझसे खता, अगर हो सके तो बता दे अपना नाम और पता। मैंने कहा मेरा नाम है दिलीप कुमार वर्मा, घर पड़ता है गोरिया कर्मा। नाम है दिलीप कुमार वर्मा, घर है गोरिया कर्मा। तो देख सकते हैं इन्होंने जो ये कॉमेडी वीडियो, जब ये ट्रैक्टर चला रहे तो इनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा होगा। ये ऑपरेटर और ट्रैक्टर चलाकर अपना जिंदगी गुजर बसर करते थे, फिर अचानक कैसे आपके माइंड में आया कि हम इस डिजिटल दुनिया में जाएंगे और अपने कला से लोगों को मनोरंजन करेंगे, इंटरटेन करेंगे, कैसे माइंड में आया? इंटरटेन का भावना तो मेरे दिल में बचपन से है। तो ट्रैक्टर जब हम चलाते थे तो डेली का जो मेरा लाइफ होता था, डेली का रूटीन, उसको एक शायरी के तौर पे मैंने लिखा। उसके बाद मैंने सोचा इसको व्हाट्सएप में भेज देता हूँ सभी को, तो लोग दो चार गाँव के लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन मुझे इतना पता नहीं था कि बहुत सारे लोग देखेंगे, तो इस वीडियो को लोगों ने इतना प्यार दुलार दिया कि ऑल ओवर झारखंड पूरा शेयर हुआ। बिल्कुल। तो एक दिल में थोड़ा सा लगा कि नहीं बढ़िया क्रिएट हो गया, तो फिर लोगों का कमेंट आने लगा फेसबुक पे, अच्छा अच्छा, तो फिर और कंटेंट बनाते गए धीरे से। तो क्या कुछ कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा वहाँ से यहाँ तक के आने में? बहुत बहुत परेशानियाँ तो आते रहती है, कोई एक नया काम, पुराना काम को छोड़ के एक नया काम करने के लिए आना बहुत मुश्किल होता है। और हम कभी नहीं चाह रहे थे कि हम यूट्यूब पे इतना फेमस हो पाएंगे और फेसबुक पे लोग इतना मुझे जानेंगे, और ये पब्लिक का प्यार है, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अच्छा रहा ना, तो सोच सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, जब से डिजिटल का दौर आया है तब कोई भी व्यक्ति अगर उसके अंदर थोड़ी भी टैलेंट है
तो वो पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेर सकती है। ऐसा पहले नहीं होता था, क्योंकि जिसके पास सुविधा है, कैसेट का जब दौर था तो जिनके पास सुविधा है, पैसा है, वही लोग आगे पढ़ पाते थे। लेकिन जब से डिजिटल का दौर आया है, यूट्यूब सोशल मीडिया का दौर आया है, तब से गांव के सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले भी व्यक्ति अपने टैलेंट को पूरी दुनिया तक दिखा सकते हैं और फेमस हो सकते हैं। तो वर्मा जी ज़्यादातर खोरठा गाना गाते हैं, और ये खोरठा जो ये इलाका है, यहाँ ज़्यादा खोरठा बोली जाती है। तो इन्होंने अपने गाने और कॉमेडी के माध्यम से खोरठा को बढ़ावा दे रहे हैं, खोरठा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो खोरठा के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं और आगे क्या करना चाहते हैं? क्या जनता से यही बोलना चाहता हूं कि जैसे आप सबों ने हर भाषा को इतना प्यार दुलार दिया, जैसे भोजपुरी है, मगही है और हिंदी है, तो कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिल जाता है शादी विवाह में कि भोजपुरी गाने अपनी संस्कृति, अपनी जो भाषा है वही हमारी पहचान है। हाँ, तो अपने भाषा को प्रमोट कीजिए। और खोरठा में मैं सोच रहा हूँ कुछ नया नया चीज़ लाने का, अश्लीलता से हट के गाने बनाता हूँ और कॉमेडी भी, तो आप लोग बस प्यार दुलार दीजिए। कोशिश रहेगा कि खोरठा का भी स्तर ऊपर होगा और एक लेवल मिलेगा खोरठा को। तो आपके बहुत सारे गाने हिट हुए हैं, तो आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है, वो हम चाहेंगे कि दर्शकों के बीच में थोड़ा गुनगुना दें। एक गाना मैंने गाया था शुरू में ही, पोपलेन वाला, आप जानते ही होंगे कि जाही यो सुन गे धानी चल वैले पोपहले नावा, जाही यो सुन गे धानी चल वैले पोपहले नावा, ए धनी के लाइन देबो तोरा सोना के गहनावा, ए धनी के लाइन देबो तोरा हाथ के कंगनावा। लेडीज बोलती है कि जाह जब सुन हो सैया चलवे पोपले नावा, जाह जब सुन हो सैया चलवे पोपले नावा, ए सैया हो चैल यही घरा परते फगुनावा, ए सैया हो चैल यही घरा पौरते फगुनावा। मेरा अंतरा का लिरिक्स है कि बाबू पर ध्यान दी हो या भी वो नान गे, सावन ले ये के बर यही बहु रोपई खातिर धान गे, मैया बाबू जी के तोई मानी हो कहनावा, नहीं करी हो बहनावा, ए धनी के लाइन दे बहु तोरा सोना के गहनावा, ए धनी के लाइन दे बहु तोरा हाथा के कंगनावा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपकी आवाज़ भी बहुत ही अच्छी है और लोग आपको पसंद कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप खोरठा और गाने से कुछ हटकर जो आपका कॉमेडी वीडियो है वो बहुत दिन से आ नहीं रहा है, दर्शक काफ़ी वेट कर रहे हैं। तो आप कॉमेडी वीडियो जो आप बनाते थे फेसबुक लाइव के माध्यम से या और भी जिस तरीके से, वो आपका कॉमेडी वीडियो हमारे दर्शक काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, तो वो कब आएगा? बहुत जल्द, अब टीम बना रहे हैं अपना और मेरा एक चैनल क्रिएट होने वाला है दिलीप वर्मा ऑफिशियल, तो उस पर भी आएगा। और दिलीप वर्मा कॉमेडी एक चैनल आएगा, उस पर भी दो दो चैनल रहेगा जी। जो स्पेशल मेरा कॉमेडी का चैनल रहेगा उस पर आएगा कॉमेडी वीडियो। चलिए, ये जानना चाहूँगा दिलीप वर्मा जी कि आज भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, भारत देश के आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे देश के जितने जवान शहीद हुए हैं सभी को दिल से सैल्यूट है, नमन है। बिल्कुल, अगर आज वो नहीं होते तो आज हम इतने आज़ादी को नहीं, आज़ाद नहीं हो पाते, इतने मन मर्जी का कुछ नहीं कर पाते। और सबसे पहले जो अपने देशवासियों को मैं यही बोलना चाहता हूँ, आज हमारा देश आज़ाद है तो आज़ादी का जो फ़ायदा है उसका गलत तरीके से ना इस्तेमाल करें। और आज़ादी का मतलब है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं कि आज़ाद का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। जैसे कि आज़ाद का मतलब है कि कहीं कहीं देखते हैं शादी विवाह में गंदी गंदी गाने बजाना। बिल्कुल बिल्कुल, अश्लील गाने, अश्लील गाने जो है भोजपुरी के, ये सब ये क्या है, आज़ादी का दुरुपयोग है, कहीं ना कहीं हमें दर्द होता है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आज़ादी का लुत्फ उठाइए, मज़े कीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन अपना घर परिवार समाज संस्कृति को बचाए हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। और संस्कृति भी बचना चाहिए और एंजॉय भी करना चाहिए, ऐसा मैं संदेश देना चाहता हूँ। साथ दिलीप वर्मा जी, जो एक छोटे से गांव से एक सिंगर, एक्टर या यूँ कह ले डिजिटल दौर में एक अच्छे क्रिएटर बन के उभरे हैं और लोग इनके गाने और कॉमेडी काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और ये जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज में होता है
उसे ही प्रमोट कर रहे हैं, वही लैंग्वेज में वो सारा चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, वीडियोज़ हो या म्यूजिक वीडियोज़ हो, उसी को प्रमोट कर रहे हैं। अब अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव चल रहा है, तो मैं दिलीप वर्मा जी को, मैं जो इंडिया की आन बान शान जो तिरंगा फ्लैग है देना चाहूँगा उसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अंत में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस तिरंगा देके जो सम्मान दिया है, बहुत बड़ी चीज़ है ये हमारे देश के लिए और हमारे लिए। और मैं एक अंतिम में एक बात बोलना चाहूँगा कि जो तिरंगा आप दे रहे हैं, वो नेता हमारे कहाँ गए जो चुनाव के टाइम में मुर्गा दारू बियर बांट रहे थे और घर घर 500 का नोट दे रहे थे, ये तिरंगा उनको देना चाहिए था हर घर में जाके। वो नेता से मेरी अपील है कि सर अभी भी आप सुधर जाइए, वरना 5 साल के बाद आपका मौका फिर आएगा। और ये मेरी जनता देख रही है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से चुनाव के टाइम में मुर्गा दारू और 500 का नोट बांटते हैं, तिरंगा भी उस घर में पहुँचाइए, लोग अपने अपने छत पर लगाएंगे। जय हिंद। जय हिंद।